हाँ जी राजे, असी ए पार्ट विचों पहला आपां कीता सी मंग दा नियम, ला ऑफ डिमांड दा चैप्टर ए पार्ट विचों डिमांड वाला। अज फिर एक बार दोबारा रिपीट करा रही हाँ। मंग होर गल्लां समान रहन ते कीमत घटन ते मंग वध ते कीमत वध ते मंग घट, यानी नैगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स अदर थिंग्स बीइंग इक्वल द डिमांड फॉर ए गुड राइज विद ए डिक्रीज इन ए प्राइस एंड फॉल विद एन इनक्रीज इन ए प्राइस। कि नैगेटिव रिलेशन होंदा है डिमांड एम म ते मार्शल दी डेफिनेशन। मंग दा नियम दसदा है कीमत घट ते मंग वध, कीमत वध ते मंग घट। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अमाउंट ऑफ डिमांडेड इनक्रीजिज विद ए फॉल इन ए प्राइस, डिमिनिशिज व्हेन प्राइस इनक्रीजिज। मार्शल एक्सप्लेनेशन आपां कीती सी, पहला आपां बनाना इहदा डिमांड शेड्यूल तालिका कि प्राइस एक्स क्यू एक्स, प्राइस एक्स 10 नू 8 क्यू एक्स कि कीमत घट रही है मंग वध रही है 100 तो 150, जद कीमत 8 है तो 200। इनू ही आपां डिमांड कर्व विच बनावांगे जिहड़ा की है नैगेटिव स्लोप। एक्स एक्सिस ते क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस ते प्राइस, डीडी शो करता है डिमांड कर्व नू कि कीमत पी तो P1 होए ते मंग L तो L1 वध जाएगी। उही इहदा एक्सप्लेन किया है। फिर एजम्पशंस की है मान्यतावां कि उपभोक्ता की आमदन च कोई परिवर्तन नहीं आता, होर गल्लां समान रहिंदे गिफन गुड्स। उपभोक्ता की रुचियों में कोई परिवर्तन, क्योंकि अपनी रुचि हर रोज़ कुछ ना कुछ बदलती रहती है। संबंधित वस्तुओं की कीमत च कोई परिवर्तन नहीं आता, तो मंग की कीमत दे भविख विच होर ज़्यादा परिवर्तन की संभावना नहीं होनी चाहिए। ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं, जरा पहला करवाया मंग दा नियम, उनकी परिभाषा ते व्याख्या, मंग तालिका ते मंग वक्र। अज करना वै कि मंग वक्र वाई डिमांड करव स्लोप्स डाउनवर्ड, कि मंग वक्र दा ढलान है ये ऋणात्मक क्यों हुंदा है, कि जो कीमत घटती है उदो ही आप मंग नू क्यों वधाने हैं, इनका उल्टा संबंध क्यों पाया जाता है। इनका पहला पॉइंट ही है घटती सीमान तुष्टिकुण दा नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी DMU। कि यह नियम यह दसदा है कि जे आप कोई वस्तु की वध इकाइया खाई जाने तो उनकी कीमत, उनकी तुष्टिकोण अपनी घटी जाती है, कोई चीज़ की किन्नी यूटिलिटी होंदी है। वधेरे संतुष्टि सीमान तुष्टिकुण के बराबर हो जाती है, कीमत घटी जाती है मंग वधी जाती, कीमत वधन ते घट मात्रा खरीदी जाएगी, कीमत घटन ते वध मंग रख दिती जाएगी, यानी नैगेटिव रिलेशन पाया जाता है कीमत का। नैक्सट है आमदन प्रभाव, अपनी आमदन का भी प्रभाव पैंदा है, जो आप कोई चीज़ बाजार च लैन जाने कीमत घट जाए, मान लो ये सिंपल एग्जाम्पल है, असी बाजारों से 100 रुपये कुछ समान लैन जा रहे हैं, वह मे बी सस्ता हो जाए, है ना, असी सोच के जाने कि असी आ चीज़ लैके आनी है, ये 100 रुपीज़ दे इन बिटवीन वो आ जाएगी, पर वो सस्ती हो जाती है, यानी सानू वो चीज़ 80 रुपीज़ च मिल जाती है। तो आप ये तो नहीं कहेंगे साड़ी मौद्रिक आमदन पैसे वाली आमदन मध वध गई, साड़ी वास्तविक आमदन है वो मापी जाती है कि आप कल 100 की सी अज 80 की होगी, पर अपनी आमदन नहीं वधी, हूँ आप चीज़ खरीद की कपैसिटी साड़ी वध गई, क्योंकि आमदन जो अपनी फिक्स है पिछों जो 5,000, 10,000, 20,000 आमदन उही रहती है। कीमत घटे तो वधे का अपनी मंग ते प्रभाव पैंदा है, ये साढ़े ते डिपेंड करता है कि असी वो चीज़ खरीदीए कि ना खरीदीए। असल मंग तो मंग विच वाधा दा मौद्रिक पैसे वालों आमदन विच कोई प्रभाव नहीं पैंदा, असल आमदन च वाध होते साढ़े ते डिपेंड असी वो चीज़ लईए जां कि असी वही सस्ते च मिल रही है वह पैसे बचा के अगे फ्यूचर विच साढ़े काम आ सकते हैं। नैक्सट है प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन किनू कहिंदे आ कि एक दे बदले दूजी चीज़ नू सब्स्टिट्यूट करना, सब्स्टिट्यूशन कहिंदे इफेक्ट। जिवें सेब महंगा है तो असीं कोई होर फ्रूट लैने, सब्स्टिट्यूट किया एक दे बदले, किन्नू महंगा है तो आपां संतरे लै लैने,
चाह महंगी है कॉफ़ी लै लें कि एक की कीमत वधे तो दूजे की मंग वध जाएगी। जे चाह महंगी असी कॉफ़ी लाँगे, जे कॉफ़ी महंगी है तो आप चाह पी लाँगे, जे मौसमी का जूस महंगा तो संतरे का, ए कैंपा कोला महंगी है तो कोका कोला या पैपसी, कि एक दे बदले विच दूजी चीज़ का सब्स्टिट्यूट किया जाए, कि एक की कीमत घटती है तो दूजे की मंग विच घटेगी जी। इसका मतलब की है कि एक की मंग के बदले दूजे का, जिमें चाह दे बदले च कॉफ़ी का सब्स्टिट्यूट। कोई चीज़ सस्ती है साढ़े से डिपेंड करता असी किन्नी मात्रा विच लैनी है, उन्हें करके भी अपना डिमांड करव है नैगेटिव स्लोप हुंदा है, हेठा वल हुंदा है, कि कीमत घट ते मंग वध, कीमत वध ते मंग घट, कि कोई चीज़ की अपनी कीमत वधदी है असी वो मंग घटा लाँगे, कीमत घट है मंग वधा लाँगे। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, कि एक दे बदले विच दूजी चीज़ का इस्तेमाल करना, कि चाह दे स्थान ते कॉफ़ी का प्रति सब्स्टिट्यूट की उसके बदले तो कॉफ़ी की मंग वध जाएगी। नैक्सट पॉइंट है साइज ऑफ कंज्यूमर गुड्स, कोई चीज़ नू लैन वाले किन्ने है, जिवें बाजार च जां गली च कोई आंदा है सब्जी वाला, जे मान लो एग्जाम्पल जे असीं ज़्यादा जाने असीं कहने कि सस्ती लगा लै, है ना, उहदे नाल आपां नू कीमत ते थोड़ा जिहा प्रभाव पैंदा। साइज़ किन्ने ने उहदा प्रभाव पैंदा, जे वध होणगे ते कीमत घट जाएगी, वह वध खरीदांगे। कई वारी देखदे हो उदों कोई चीज़ नू कोई खरीद ही नहीं रहा, वह आपां बंद कर दिंदे आ, इसके फलस्वरूप कीमत वधन ते भी मंग घट है। कीमत परिवर्तन उपभोक्ता दे समूह साइज़ इकार ते परिवर्तन हुंदा तो कुल मंग ते भी प्रभाव पैंदा है, कि वध है तो मंग वध है कीमत घट दे, जे कीमत वध है मंग घट, यानी नैगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, ये करके डिमांड कर्व है अपना नैगेटिव स्लोप हुंदा है। वक्रे वक्रे यूज़, अलग अलग प्रयोग, जिवें छोलियां की वरतों, जिवें छोले है काले छोले असी खाने है, चने वो जे महंगे ने असी आप ही खावांगे, जे सस्ते ने ते घोड़े रखे तो उन्होंने भी देवांगे, कि कोई चीज़ है जे सस्ती असी किसी होर नू जानवरां नू दे रहे हैं, जे महंगी है तो असी आप ही, जे बादाम है जे महंगी है तो असी आप ही बड़े औखे खाने हैं, है ना, असी बाकियां नू तां की देवांगे। यही चीज़ का प्रभाव है कि कीमत वध ते मंग घट, कीमत घट ते मंग वध, कि नैगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, कि कीमत घट ते मंग वध हो जाती है, ये करके अपना की है डिमांड करव है नैगेटिव स्लोप होएगा। ठीक है जी, अज तुसी यही करना है, डिमांड करव मीनिंग डेफिनेशंस, उस तो बाद डिमांड शेड्यूल करव एजम्पशंस, लास्ट है जरा अज नवा करवाया वाई डिमांड करव स्लोप्स डाउनवर्ड, कि डिमांड करव दा स्लोप है डाउनवर्ड, हेठा वल नू क्यों हुंदा है। ठीक है जी, थैंक यू।